मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। BNS, BNSS भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया कानून आया था उसको अभी हम पढ़ रहे हैं, और कानून के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी किताब से कोई ऐसा सेक्शंस, कोई ऐसा आर्टिकल्स अगर रहता है, कोई लीगल न्यूज ऐसा रहता है जो जनरल पब्लिक को जानना चाहिए, वो हम जनरल पब्लिक तक पहुंचा देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कोई सेक्शन नहीं है, वो कोई आर्टिकल भी नहीं है, एक न्यूज है। इस न्यूज में क्या है कि वकील, पुलिस और जज तीनों ही लड़ गए। ठीक, अब ये कहानी है गाजियाबाद की। 29 अक्टूबर को एक बहस चल रही होती है, वकील साहब बहस कर रहे होते हैं, लर्निंग एडवोकेट, और उसी बीच कुछ कहा सुनी हो जाती है जज में, यानी कि सेशन जज में और वकील साहब, तो ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, हल्ला गुल्ला होने लगता है, और जो वकील हैं, वकील सर सब है, वो विरोध करने लगते हैं। जब विरोध करते हैं तो जो सेशन जज हैं वो पुलिस को समन कर देते हैं, और पुलिस तत्काल आ जाती है, और पुलिस आकर के वकीलों के साथ मारपीट करती है। यानी पुलिस क्या करती है, लाठी चार्ज कर देती है, किस पर, वकील लोगों पर, कोर्ट परिसर में ही, यानी कोर्ट के अंदर ही गाजियाबाद में। अब जब लाठी चार्ज कर देती है तो ऑफकोर्स दोनों में लड़ाई हो गया, तो कुछ कहा जा रहा है कि पुलिस को भी चोट लगा है, और कुछ कहा जा रहा है कि वकीलों को भी चोट लगा है, जज को चोट नहीं लगा है। ठीक है, उनको सुरक्षित उनके चैम्बर तक पहुंचा दिया गया। अगर जज के पास ये पावर है और विरोध कर रहे थे अगर वकील, अगर उन्होंने मिसयूज किया है तो उसकी सजा उनको मिलेगी, अगर वकीलों ने गलती की है तो उसकी सजा उनको मिलेगी, और यदि पुलिस ने गलती की है तो इसकी सजा पुलिस को मिलेगी। ठीक है, अब पुलिस इसमें ज्यादा दोषी नहीं होगा क्योंकि पुलिस ने अपना काम किया, उनको समन करके बुलाया गया, उनको ये कहा गया कि आपको आना है, मुझे सुरक्षा देनी है, तो जज की बात को कैसे टाल सकता है, सेशन जज की बात को, तो ऑफकोर्स उन्होंने अपना काम किया। और अब देखा जाएगा, जांच का विषय है कि क्या होता है, लेकिन अभी क्या हुआ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है, उन्होंने एक रिसोल्यूशन पास किया कि तत्कालीन कार्रवाई की जाए उन जज पर, उन पुलिस वालों पर जिन्होंने एडवोकेट के साथ मारपीट किया है या जिन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो हमने कहा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन यानी बार एसोसिएशन, ये क्या होता है, और बेंच, बार एंड बेंच यानी बार होता है जो एडवोकेट, यानी हम लोग मतलब एडवोकेट लोगों का जो साइड होता है, ठीक है, और बेंच होता है जो जज लोगों का साइड होता है। ठीक है, ये बार एंड बेंच का रिलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि इन पर कार्रवाई की जाए, और इन पर कार्रवाई हो भी सकती है जांच के बाद, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी पावरफुल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एडवोकेट्स का भी अपना एसोसिएशन है, कल हो करके कोई एडवोकेट ही जस्टिस बन जाते हैं, चीफ जस्टिस बन जाते हैं, कोलिजियम है, तो जो बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सीनियर एडवोकेट्स, वो भी जज बन सकते हैं, वो जस्टिस बन सकते हैं, हो सकता है कि ये जो सेशन जज है इनसे ऊपर वाला ही ये सेशन जज रहे, और तब तक वो हाईकोर्ट के जज बन जाए, उनसे ऊपर ही हो जाए कॉलेजियम के माध्यम से, तो इसमें कोई भी पावरफुल नहीं होता है, इसको मेंटेन करना पड़ता है कि आपका भी काम हो जाए, मतलब वकीलों की भी बात रहे, जज की भी बात रहे, और पुलिस भी अपना काम सही से करती रहे, तो इसमें कोई भी पावरफुल नहीं होता है, पावरफुल होता है कानून। ठीक है, और कानून ही जीतता है, सत्य ही जीतता है। ठीक है, चाहे अगर जज साहब सत्य होंगे तो जज जीतेंगे, एडवोकेट सब अगर सही होंगे तो वो जीतेंगे, और पुलिस का ज्यादा इसमें कोई रोल है नहीं वैसे, लेकिन अगर पुलिस वाले ने भी गलत लाठी चार्ज कर दिया होगा, कुछ एग्रेसिव एक्शन ले लिया होगा बिना मतलब का, ठीक है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी पावरफुल नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।